अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ सना मक्की लीव्स का कहवा बनाना बताऊंगी। ये बहुत बेनिफिट्स है और आजकल जो वबा चल रही है ना, उसके लिए तो वो बेस्ट है। अगर आपको अवेलेबल है या है तो आप अमेज़ान वगैरह से भी ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। ये मेरे पास आलमगीर का यहाँ पर UK में ये कंपनी है, तो मुझे 2 pound का ये बॉक्स मिला है, तकरीबन 25 gram। तो वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल गई है 25 gram 2 pound में। तो मैंने तकरीबन लिए हैं 2 tablespoons सना मक्की लीव्स। ये देखिए कुछ इस तरह से हैं, देखिए ऐसे लीव्स हैं, लंबे लंबे से लीव्स हैं। तो ब्राउन शुगर लिया है, इसमें आप ब्राउन शुगर ऐड करें अगर आपके पास अवेलेबल है, तो कोशिश करें कि इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि प्लीज़ इसका जो बताएं कि कैसे बनती है। तो मैं चलें आपको बता देती हूँ, मैंने सना मक्की के बेनिफिट्स के लिए वीडियो भी अपलोड की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 cup पानी लिया है, बस बॉईल आने वाला है। तो 2 cup में मैं ये ऐड कर, ये देखें बॉईल आने वाला है, तो मैं इसमें ये ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन तो ये आजकल जो चल रहा है, जो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे अपना, तो उसके लिए तो बस हमने इसको इतनी देर तक बॉईल करना है जितना कि ये बॉईल हो के 1 cup रह जाए। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से फिर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। बस हमने इसका कलर निकालना है और बाद में हम शुगर वगैरह ऐड कर लेंगे। जिस जिसने अगर सम टाइम होता है कि शुगर पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए फिर हमने नहीं ऐड करना होता। तो इससे ये है कि ये हो सकता है इससे आपको पेट थोड़ा सा आपका ख़राब हो, डायरिया जैसा आपको फील हो, तो उसमें आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो आपको आपके अंदर की जो है ना, वो अंदर से सफाई करेगा ना, तो कोई उसमें जो है ना डरने की बात नहीं है। तो बस हमने इसका कहवा जो है ना, दिन में आप 2 times ले लें या 1 time ले लें, तो कोशिश करें रात को ले लें। तो बस इंशाल्लाह देखिएगा, आपको जो है ना अल्लाह ताला ने ये शिफा रखी है सिवाय मौत के, इसमें हर तरह की, जैसे कि कलवंजी में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है, तो इसमें भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इसके जो है ना, आप मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा जो मैंने सना मक्की की लगाई थी, उसके बेनिफिट्स, तो उस पर एक व्लॉग है, उसमें वो हकीम है ना, वो उन्होंने सारे बेनिफिट्स बताए हैं कि बहुत अच्छी ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह आप वो मेरी वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी किसी ने शेयर की थी, तो मैंने सोचा आप सब दोस्तों के साथ वो वीडियो मैं शेयर करूं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। बस हमने इसको इतनी देर तक करना है ना कि ये पक पक के ना तकरीबन 1 cup रह जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह कुछ कलर निकला है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको। तो मैंने तकरीबन ये शुगर रखी हुई है, तो मैंने तकरीबन 1 tablespoon के करीब या हाफ, जितना आप कम ज़्यादा आप डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। तो बस मैं इसको मिक्स करूँगी, तो इन्जॉय करूँगी। तो इंशाल्लाह आप यूज़ करिएगा, तो इंशाल्लाह बताइएगा। इंशाल्लाह अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई इस तरह का हुआ है, तो आप ज़रूर इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये होम रेमेडी। तो ये भी मैंने दोस्तों ने पूछा था, तो इसलिए मैं फिर बना के शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हैरियत से रखे। अल्लाह हाफिज़।